बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का इस वीडियो पे। और आज जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट का बनना, किस तरीके से एक साइंटिस्ट बनता है। पहले जब जन्म होता है तो वो तो साइंटिस्ट नहीं रहता ना, धीरे धीरे तो वो साइंटिस्ट बनता है। तो ये एक्चुअली कहा गया है रिचर्ड एब्राइट के बारे में। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव द सोल स्कॉलर अवार्ड एंड स्क्यूइंग क्लफ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो रिचर्ड एब्राइट ने सर स्कॉलर अवार्ड और स्क्यूइंग क्लफ अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी में उनको मिला है। और इट वॉज इज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि तितलियों को पकड़ना, तितलियों को बहुत पसंद करता था रिचर्ड एब्राइट। और उसका जो इसके ऊपर ही इंटरेस्ट, यही विज्ञान के जो दरवाजे हैं उनके लिए खोल देता है। तो एट द एज ऑफ 22, 22 साल के उम्र में जो फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे रिचर्ड एब्राइट, उन्होंने एक नया थ्योरी, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी हाउ सेल्स वर्क। तो उन्होंने सारे दुनिया में एक हलचल मचा दी एक नए थ्योरी ला के। ये थ्योरी था किस तरीके से कोशिकाएं जो होते हैं, ये कोशिकाएं काम करती हैं। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और उसके रिचर्ड एब्राइट और उनका रूममेट, तो ये रूममेट ही इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। और उनका थ्योरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम के एक जर्नल में, एक पत्रिका में छप जाता है। अब ये पत्रिका में छपना, स्काउट ऑफ द ईयर, और ये बड़ी बात क्यों है? देखो एक चीज़ हम बताते हैं, हम तो फेसबुक के जो क्रिएटर है मार्क जकरबर्ग को हम सभी जानते हैं, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हैं अपने। और पढ़ाई करते करते जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उनको याद आया कि हाँ, हम दोस्तों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें कोई कोई एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, और वही एप्लीकेशन आज फेसबुक के नाम पे मशहूर है। देखो किताब में जो लिखा हुआ है आप सीखने के लिए है, लेकिन नया इन्वेंशन तो आपको खुद करना होगा ना। तो ये कॉलेज में रहते रहते ही इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि कोशिकाएं किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ को बताया दुनिया को। और ये उस समय एक नया खोज था। और जो नया खोज होता है, जो बड़े बड़े जर्नल होते हैं, जिसे बड़े बड़े साइंस के एक जर्नल का नाम मैं आपको बताता हूँ, नेचर, तो किसी तरीके से प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस जर्नल इनके इस चीज़ को छापता है। जब भी कोई साइंटिफिक जर्नल में चीज़ छपता है, मतलब वो वेरीफाइड चीज़ है, ऐसे कोई से कोई चीज़ ही नहीं जैसे खबर के चैनल में कोई कोई घटना घटी है तो रियलिटी में उसी चीज़ को तभी उसको वहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, या दिखाते हैं न्यूज़ चैनल, उसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि इस चीज़ को वेरीफाई किया गया और देखा गया कि हाँ, सच में ही एक बहुत बड़ा खोज है, और तब इसको साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया। यहाँ पर और एक चीज़ हम बताते हैं कि जो बच्चे पीएचडी करते हैं, पीएचडी डिग्री क्या होती है, इस समय आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद 12वीं दोगे, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होता है 3 साल का। पढ़ाई के लाइन में मैं बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के लाइन में नहीं, तो उसमें 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, फिर 2 साल का मास्टर्स होता है, और फिर आता है पीएचडी। यानी कि पीएचडी होता है आपका एक ऐसा डिग्री जिसमें आप कुछ नया खोज करते हो। ये जो बच्चे हैं ये कुछ नया खोज करते हैं, और इनका ये थ्योरी जो है पेपर में छप जाता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होता है कि कॉलेज स्टूडेंट के कोई काम को छापता है ये जर्नल। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट ए बैट। और ये उस तरीके का एक्सपीरियंस है जो बेसबॉल एक बहुत मशहूर गेम है यूएसए का, अमेरिका का, और वहाँ पर जब आप 15 साल की उम्र में कोई होम रन हिट करते हो, होम रन मतलब क्रिकेट में जैसे हम रन लेते हैं वहाँ पर भी उसे होम रन होता है, तो होम रन जब आप हिट करते हो बैट से, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक वैसा उपलब्धि जो क्रिकेट में, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मान लो कोई भी प्लेयर देश के जर्सी में, हमारे जो इंडिया की जर्सी है नीली जर्सी, तो उस नीली जर्सी में खेलने गया और एक रन भी करता है, उसके लिए वो बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कदम रखता है। तो रिचर्ड एब्राइट भी, उनका ये पहली बार था, इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस। मतलब साइंस में तो इसके बाद और सारी उपलब्धि होने वाली थी, लेकिन ये उनमें से एक धागा था। एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और इन सब की जो शुरुआत थी, उनकी शुरुआत बटरफ्लाइज, तितलिया से हो गई। अब ये घटना जो है फ्लैशबैक में जाएगी, तो
मतलब किस तरीके से उन्होंने सेल का काम करना ये दिखाया दुनिया को, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो एक दिन में चंद घंटों में वो हो गए, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट जो बने हैं वो किस तरीके से बनते हैं, तो हमें जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिसने बहुत अचीवमेंट की हुई है लाइफ में, उनके बारे में जानना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये चीज़ बताया जाता है कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए आपके अंदर में वो हिम्मत क्रिएट हो, ठीक है। एन ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वानिया। तो जब ओनली चाइल्ड थे, अपने पेरेंट्स के एकमात्र वो बच्चे थे, और ए ब्राइट ग्रू अप इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग पेंसिल्वानिया अमेरिका का एक जगह है, और उसके उत्तर में रीडिंग में वो पले बड़े हैं। देर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, वहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए कुछ नहीं था मतलब बच्चे जनरली क्या करते हैं, खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं था। आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, कि हाँ एक जन के टीम के साथ मैं वहाँ पर फुटबॉल बास्केटबॉल खेलूँ, चूंकि एक टीम गेम है, वो तो पॉसिबल नहीं था। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ तो मैं काम कर ही सकता हूँ, वह कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, और फिर उन्होंने शुरू किया। एंड डिड ही एवर, और इसके बाद तो वो करते ही गए उस चीज़ को। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। डिटर्मिनेशन एक इंसान का, अगर अपनी जिंदगी में ये डिटर्मिनेशन बना रहे तो वो उपलब्धियों के एकदम शिखर पे चला जाएगा। एब्राइट ने डिटर्मिनेशन कभी भी घटाया ही नहीं, उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट किया, और उसी सेम डिटर्मिनेशन के साथ ही उसके बाद जो उन्होंने खोज किया साइंस के फील्ड में, वो एकदम कंटिन्यू। उस समय भी बच्चे जब थे तब भी जो इतना डिटर्मिनेशन था, जब यहाँ पर आके सेल वर्क के बारे में वो बोल रहे थे उस समय भी उतना ही डिटर्मिनेशन था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स, वो जो रॉक है, पत्थर हैं, फॉसिल्स जीवाश्म जिसे कहते हैं, एंड कॉइन्स, वो कलेक्ट इकट्ठा करते थे। कुछ कुछ बच्चों का देखना ये हैबिट होता है, स्टैम्प कलेक्ट करना, कॉइन कलेक्ट करना, पुराने नोट कलेक्ट करना डिफरेंट कंट्रीज का। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग हैबिट। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और उसके बाद वो बहुत ईगर एस्ट्रोनॉमर वो बन गए। टू समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और रात में तारे देखते थे। तो ये फॉसिल्स क्या होता है आपको तो पता है ना, फॉसिल्स वो होता है कि अगर कोई जीव पत्थर या मिट्टी में जो दब जाए और मरने के बाद या जिंदा ही दब जाए, तो उसका एक जो इम्प्रिंट होता है उस पत्थर पे या मिट्टी पे पड़ जाता है, प्रिंट, एक छाप, उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। और कभी कभी उनके हड्डियों के टुकड़े भी वहाँ से बरामद किए जाते हैं, उसको मिलते हैं, तो उसमें वो प्रिजर्व हो जाता है उस पत्थर में या उस मिट्टी में, तो इसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ई बी के मैन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और ये फॉसिल्स का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस फॉसिल्स के द्वारा ही हम बहुत कुछ डेटा हम जान सकते हैं। जैसे मान लो हिमालय के पहाड़ों में फॉसिल्स हमें मिले हैं, इससे हमें क्या पता लगता है कि मछली के फॉसिल्स पाए गए हैं, बड़े बड़े मछली के फॉसिल्स पाए गए हैं। तो पहाड़ में तो मछली नहीं रहती है, लेकिन वो जो हिमालय था वो एक बहुत बड़ा समुद्र था पहले, टेथिस सागर जिसे हम कहते थे। तो उस टेथिस सागर जो है वो बाद में वहाँ पर भूकंप के वजह से बाद में हिमालय बना, तो हम जानते हैं, क्योंकि हम फोल्ड माउंटेन जब पढ़ते हैं इसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर भी ठीक ये होता है फॉसिल्स। एंड बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, जो स्टार गेजिंग करते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनको लेके रिसर्च करते हैं, जो हेवनली बॉडीज को लेकर रिसर्च करते हैं, महाकाश में जो चीज़ें हैं उनको लेकर रिसर्च करते हैं, इसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। फ्रॉम द लास्ट ही फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, पहले से ही ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, मतलब ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मतलब जो जिस क्यूरियोसिटी आपको मतलब चालित करता है, जैसे गाड़ी का जो एक्सलेटर है, गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है, इसलिए आपका जो आग्रह है जीवन में आपको आगे धकेलता है कुछ करने के लिए। यू ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। तो मम्मी का बहुत बड़ा, हमारे सभी सभी के जीवन में मम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर भी उनके लाइफ में भी ठीक वैसा ही होता है कि उनकी मम्मी जो होती है उनको हर वक्त इनक्रेज करती हैं, उत्साह देती हैं कि हाँ तुम कुछ नया नया चीज़ें सीखो। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसको घुमाने के लिए लेके जाती हैं। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसको टेलीस्कोप खरीद देती हैं, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटीरियल्स, ये सारे चीज़ खरीद के देती है। एंड अदर इक्विपमेंट्स हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज, जो उनको मदद करें। मतलब टेलीस्कोप, आप टेलीस्कोप जानते हो, टेलीस्कोप क्या होता है, इसमें आप तारे देखते हो, चांद को देखते हो, बहुत नज़दीक, मतलब
उस चीज़ को वो उसमें लेंस लगे रहते हैं तो बहुत नज़दीक वो दिखता है। और माइक्रोस्कोप क्या है, छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, कैमराज वो देते हैं फोटो खींचने के लिए। माउंटिंग मटेरियल्स क्या होता है, कैमरा को जैसे हम रखने के लिए, अभी मान लो कैमरा को सेट करने के लिए, कैमरा को किसी जगह पर सेट करने के लिए माउंटिंग मटेरियल होता है, ये सब उनको देते हैं। एंड अदर इक्विपमेंट्स हेल्पिंग इन मेनी अदर वेज, जो उनको डिफरेंट तरीके से हेल्प करता था। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर से, उसकी मम्मी ने कहा कि मैं तो उसकी स्कूल जब से शुरू किया, उसे मतलब तब तक, जब सपना उसे स्कूल शुरू किया तब तक मैं ही उनकी उसकी साथी थी। आफ्टर दैट आई आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैंने दोस्त लेके आए उसके घर में, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन उसके बाद तो उसका दोस्त आने लगा घर में, उसके दोस्त हुए, लेकिन रात में जो है जो कुछ कुछ चीज़ें हम एक साथ करते थे, जैसे रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, मतलब रिची का थर्ड ग्रेड में जब वो था क्लास में, रिची मतलब रिचर्ड एब्राइट का नाम है रिची शॉर्ट में, और उसकी थर्ड स्टैंडर्ड में जो थे तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो तब से ही पूरा अटेंशन रिची के ऊपर था। और रात में एक साथ चीज़ें करते थे, समय देते थे अपने बेटे को रात में, ठीक है, उनको साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताना, साइंस के बारे में बताना, साइंस का इंटरेस्ट क्रिएट करना, तो मम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सभी के लाइफ में है। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, तो वो और उसके बेटा जो है वो डाइनिंग रूम जो टेबल है उसमें हर शाम को उसमें बिताता था। इफ़ यू डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर मी, और कभी कभी हम देखते हैं कि वो लेजी बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो मैं कोशिश करता था उसे कुछ काम देने का, नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं बट लर्निंग थिंग्स, के फिजिकल वर्क या कपड़े को सजा के रखो या ऐसा काम दे दिया बच्चों को कि हाँ बर्तन को साफ कर दो, ऐसा वाला नहीं है, सब हर वक्त फिजिकल नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ उससे सीख पाए ऐसा कोई काम। इस वजह से ही लाइफ के लिए वॉन्टेड टू लर्न, और यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट चीज़ सीखने में भी बहुत इंटरेस्टेड था और वो सीख भी लेता था। एंड एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में टॉप ग्रेड्स आते थे उसके। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और हर दिन वो दूसरे किड्स की तरह ही जो चीज़ें हैं, मतलब दूसरे अदर किड्स, अगर हम दूसरे किड्स की बात करें तो वो दूसरे किड्स की तरह ही था, लेकिन वो टॉप ग्रेड्स लाता था स्कूल में, टॉप ग्रेड्स मतलब रिजल्ट सबसे अच्छा होना। और बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, सर सोचो सेकेंड ग्रेड में रहते ही उसने जो 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, 25 प्रजातियों के बटरफ्लाइज उसने अपने होम टाउन पे कलेक्ट कर लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन ब्रीडिंग पेंसिल्वानिया, 6 सप्ताह के अंदर में कौन कौन से स्पीसीज और सब स्पीसीज यहाँ पर हैं, उसके नाम दिए हुए हैं और उसके क्वालिटी भी दिए हुए हैं, मतलब किस उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिए हुए, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें बोलने वाला कुछ चीज़ें नहीं है, आप इसको पढ़ लेना। तो हम जो बात यहाँ पर कहेंगे कि हम मतलब उसकी जो इंटरेस्ट बहुत थी, और इंटरेस्ट था, लर्निंग इंटरेस्ट था, इसके लिए इतना डेटा वो कलेक्ट करता था, ठीक है। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन इन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, और ये उसके बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड ही होने वाला, सीजन का एंड होने वाला था। ही सेड दैट बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्केस, इस किस किताब का नाम याद रखना, क्योंकि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही किताब जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है, रिचर्ड एब्राइट का। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मच मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और ये किताब में ही लिखा हुआ था कि कितने बटरफ्लाइज होते हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका पे जाते हैं, बीच अमेरिका में जाते हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और यही उनके लिए ज्ञान के दरवाजे ओपन कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।